झाबुआ कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सोमेश मिश्रा के द्वारा नगर परिषद मेघनगर में आम निर्वाचन 2022 के संबंध में व्यवस्था का जायजा लिया और मतदान केंद्र और मतगणना कक्ष का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर के द्वारा मतदाता जागरूकता का संदेश दिया एवं कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। तैयारियां हैं और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं आगामी दिनों में आपकी तरफ से तैयारी देखने को मिली? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिला झाबुआ में एक ही नगरीय निकाय में चुनाव है जो कि 13 तारीख को मेघनगर में होना है और जो 16 बूथ हैं उनकी सभी बूथवार समीक्षा की जा रही है और आज जिला की टीम जो चुनाव के बाद जो काउंटिंग होगी उसकी तैयारी देखने आई है और काउंटिंग की व्यवस्थाएँ सुधार करने के लिए आई है। साथ ही आज सेकेंड रैंडमाइजेशन भी मेघनगर में कर दिया गया है और इसके पश्चात जो फाइनल रैंडमाइजेशन होगा और एक दो दिन में कमीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी और चूंकि एक ही अपने पास नगरीय निकाय है तो एक अच्छे से शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और आशा है कि हम इसमें सफल होंगे क्योंकि हमने देखा है कि पंचायती चुनाव में भी पूरे जिले में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है तो इसको भी हम लोग अच्छे से कराएंगे। सर, कुछ संवेदनशील एरिया है, लास्ट टाइम भी जब निकाय चुनाव हुए थे तो वहाँ पर फर्जी वोटिंग किस तरह की घटना हुई थी, उसको लेकर क्या तैयारी है? इस बार चूंकि एक ही निकाय में है तो हमारे पास फोर्स की भी कमी नहीं है और प्रशासनिक स्टाफ की भी कोई कमी नहीं है तो किसी भी प्रकार की कोई भी जो नियम के विरुद्ध वोटिंग होगी या कोई भी नियम के विरुद्ध आचरण किया जाएगा वो इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, अलर्ट है तो विधि प्रक्रिया के अनुसार ही निर्वाचन सम्पन्न कराया जाएगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है साहब, सर ठीक है, चलें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।